Police has registered a criminal case against Chairman Panthers Party and ex-minister Harshdev Singh on a written complaint of Deputy Commissioner Udhampur for alleged forced entry into his office, misbehaving with the officers present there and obstructing official work. A video clip which has gone viral clearly shows Harshdev Singh having heated arguments with SSP Udhampur. Harshdev, on the other hand, has now claimed he too tried to lodge a complaint seeking registration of FIR against SSP Udhampur Rais Ahmed Bhatt for criminal intimidation, threats, abusive language and assault, but the police didn't register it. Harshdev alleged it was a pre-planned conspiracy to bully and browbeat the leaders of the Panthers party, who had filed many complaints against the SSP Udhampur in the past too. DC Ravinder Kumar said about 80 activists of Panthers party led by Harshdev Singh and Balwant Mankotia forced their entry into his office, and despite repeated requests to move out and behave properly, starting abusing the SSP without any provocation. अजय सर, देख उस दिन भी हमने बात की थी, आपने बोला आपके पास कुछ है नहीं, ये देखो 17 तारीख को जी की होती है और वहाँ पर रिवर घाट है, ये वो बड़ी थी, पुली बड़ी थी मेरे घर, तो मुझे लगता है ये नहीं काट सकते हैं। ये कोई कुछ नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है, हमारे ऊपर तो डीसी साहब पर्चा लग गया ना, इनॉग्रेशन किया ना, ये हंसने की बात नहीं है। 144 जलसा करने के ऊपर, और ये भाई साहब एसएसपी साहब का काम है, उधर से टेलीफोन एक आता था निर्मल सिंह का, लगा दो इसके खिलाफ पर्चा। अरे यार, इस तरीके से अगर पॉलिटिकल लोगों के पिट्ठू बन जाएंगे हम, फिर तो सारा, मैं कहता हूँ सत्यानाश हो जाता है। मेरी बात उसके बाद हमारा रास्ता रोका कुछ लोगों ने, जो सड़क साफ लोग, वो आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपसी बात कर रहे हैं, पिट्ठू मत बोलिए, और आप अपने लिए समझ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। Police has registered a case against Harshdev Singh and others at police station Udhampur. Deputy Commissioner said he will ban the entry of the activists of the Panther Party in the office of Deputy Commissioner Udhampur. Harshdev Singh, on the other hand, has accused the SSP Udhampur of misusing official machinery against the Panthers Party and has appealed to the governor for initiating an inquiry. एक मेमोरेंडम देने के लिए मैं, मेरे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया और लगभग 100 के करीब लोग थे, तो बात बात पर टोका टोकी करने लगे और ये कहने लगे कि आपका काम ही ये है, आप प्रदर्शन करते हैं, आप शोर करते हैं। मैंने कहा हम आपसे मिलने के लिए नहीं आए हैं, हम डीसी महोदय के साथ मिलने आए हैं और हमारी जो है यहाँ इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके, नहीं आप कहते हो कि हम लोग पिट्ठू हैं बीजेपी के। मैंने कहा मैंने आपको नहीं कहा है, अगर आप समझते हैं तो मैं कोई इसमें कर नहीं सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो जोर जोर से वहाँ बोलने लगे और एक बहस हमारी जो है वो आपस में हुई। उन्होंने कहा इन सब को उठा के डीसी ऑफिस से बाहर फेंक दो। पुलिस को बाहर से बुलाया गया और पुलिस वाले टूट पड़े वहाँ डीसी ऑफिस के अंदर, हालांकि डीसी महोदय के साथ बहुत अच्छे तरीके से पैंथर्स पार्टी की बात जो है वो चल रही थी और पुलिस वाले ना केवल हमारे मेल वर्कर्स के ऊपर बल्कि महिलाओं के ऊपर भी जो है वो टूट पड़े और बहुत अभद्र व्यवहार डीसी ऑफिस के अंदर महिलाओं से भी किया गया। और एसएसपी महोदय बीच में ये भी कहते हैं कि ये आपकी बीवी भी मेरे खिलाफ बयान देती है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो है एसएसपी महोदय के खिलाफ के जो भी वहाँ जो काम कर रहे हैं, जो भी शिकायतें हमारी थी, तो ये एक धमकी भी उसके पहले जो है एसएसपी महोदय ने दी थी कि ये बहुत बोलते हैं तो मैं इसको हर्षदेव को देख लूँगा और मेरे खिलाफ भी ये शिकायतें करता है। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नर महोदय से कि इसका कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए। रईस अहमद भट्ट से मैं कहना चाहता हूं कि कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कहिए कि क्या आपकी ये पहले की साजिश नहीं बनाई हुई थी आपने कि आज डीसी ऑफिस में पैंथर्स पार्टी वाले आएंगे और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। कुरान पे हाथ रखिए, मैं गीता पे रखूंगा,
एसएचओ बाहर बता रहा था कि बार बार फोन आ रहे हैं, कोई एमएलए भी फोन कर रहे हैं कि एफआईआर लगाई या नहीं लगाई। अभी हम डीसी ऑफिस में पहुंचे भी नहीं थे तो एफआईआर लगाने का फैसला पहले ही हो चुका था। और जब हमने बाहर जाकर एसएसपी महोदय के व्यवहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, धमकियां जो उन्होंने दी, जिस तरीके से महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया, तो हमारी एफआईआर को उसके बाद फाड़ के फेंक दिया गया और रात को एफआईआर हमारे खिलाफ लगा दी गई अपने आप को बचाने के लिए। क्या इसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? मैं गवर्नर महोदय से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर एक बड़ा अधिकारी गलत करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, इस तरीके से अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ भी करता है, क्या उसको कुर्सी पे बने रहने का अधिकार है? और क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या कानून जो है वो सिर्फ आम आदमी के लिए है? गवर्नर महोदय से मैं उम्मीद रखता हूं कि एक हाई लेवल प्रोब किया जाएगा और जितनी भी पहले की कंप्लेंट्स एसएसपी उधमपुर के खिलाफ पैंथर्स पार्टी ने की हैं उनका भी प्रोब होना चाहिए ताकि असलियत जो है वो सामने आ सके और कानून के मुताबिक जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए। कार में होता है, बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। हमारा तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था उधमपुर में, जैसे प्रोटेस्ट करके हम डीसी ऑफिस में पहुंचे, अंदर अपना एक मेमोरेंडम दिया, जो लोगों की मसले थे वो जो भी लोगों के मसले वो लेके हम डीसी साहब से के पास वहाँ जैसे ही बैठे तो बात शुरू हुई। आस्था बड़े प्यार से बात चल रही थी, आस्था सारे मसले चल रहे थे, एकदम से वहाँ एसपी साहब को पता नहीं क्या हो गया, वो बोलना शुरू हो गया कि आप जैसे बोला कि ऑफिसर की आप ऐसे बात करते हो, लोगों को मसलों को उठाने की बात करते हो, जब तो वो एकदम से ऐसे भड़क गए जो एसएसपी साहब थे, तो वो कहते हैं आप मेरे खिलाफ़ बड़े प्रोटेस्ट करते हो, पहले भी हमने उनके खिलाफ एफआईआर नहीं, एक हमने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ जम्मू में, तो उनको पता कि हम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी जो शिकायतें हैं जो वहाँ पे उधमपुर के अंदर जो भी होता है तो हम उसके खिलाफ उनकी एक हमने एक शिकायत की थी, तो इसलिए शायद वो भड़क गए थे कि उन्होंने आते ही बोल दिया कि जाओ उठाओ इनको, जो भी यहाँ आए इनको उठा के बाहर लेके जाओ। पुलिस वालों को बुलाया, मेल पुलिस वालों को बुलाया, और जो हमारे साथ महिला कार्यकर्ता थी उनको उठा के बाहर फेंका, मुझे भी उठा गए, मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी, मेरे को भी उठाने की कोशिश की, बाहर फेंकने की कोशिश की गई। तो हम यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए क्या इनको ये नहीं है कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? तो हम यही चाहते हैं, गवर्नर साहब से कहते हैं कि आप देख लीजिए आप इसका क्या कर सकते हैं।